I'm good, Priplas. How are you? I hope you all are fine, Priplas. It's a pre-primary English book, and I'm your class teacher. Now open your book, page number 30. पेज नंबर 30 पर सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब भी आप कोई पेज ओपन करते हैं आपने सबसे पहले डेट मेंशन करनी है और डे लाजमी मेंशन करना है, इट्स कंपल्सरी. नेक्स्ट है आज हमारे पास एक न्यू टॉपिक के साथ, फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और डैट. आपने ब्लैंक्स को फिल करना है दिस और डैट के साथ. सबसे पहले मैं दिस और डैट का कंसेप्ट क्लियर कर दूँ. प्लस आपके पास यानी करीब जो चीज़ होती है वो उसके लिए आप दिस यूज़ करते हैं. जैसे ये देखें, मेरे पास हाथ में है ना ये पेन, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ अ पेन. लेकिन अगर मैं इस पेन को यहाँ रख दूँ इस जगह पर, अगर मैं इस पेन को उस जगह पर रख दूँ तो ये क्या है, मेरे हाथ से दूर चला गया. तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगी, डैट. यानी जो चीज़ आपके से दूर है आप उसके लिए डैट यूज़ करोगे. मैं यूज़ करूँगी डैट इज़ अ पेन. लेकिन अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी दिस इज़ अ पेन. ओके, अब ये देखें, कप बॉय के हाथ में है तो आप क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ कप. गर्ल है, टीवी गर्ल के हाथ में नहीं है ना, इसके हाथ में इससे दूर है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, डैट यूज़ करेंगे. डैट इज़ अ टेलीविजन. मशीन दूर है, वॉशिंग मशीन दूर है, क्या यूज़ करेंगे, डैट. फॉक उसके हाथ में है तो दिस यूज़ करेंगे. सोफ़ा उसके बिल्कुल पास है तो क्या यूज़ करेंगे, दिस. ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा. आज टॉपिक है राइट द करेक्ट वर्ड. अब आज हमारे पास टू वर्ड्स हैं. फर्स्ट वर्ड है दिस एंड सेकेंड वर्ड इज दीज. अब दिस और दीज में क्या डिफरेंस है, प्लस देखिए, मेरे हाथ में एक पेन है तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगी, दिस इज़ अ पेन. बट अगर क्या होता है, मेरे पास हाथ में टू पेन्स हैं, ओके, टू पेन है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, दीज आर पेन्स. क्या है, दीज दो हैं तो दीज, एक चीज है तो दिस, टू है तो दीज. टू है या टू से ज्यादा है, वन और मोर थिंग्स जब आपके पास हैं तो आप दीज यूज करेंगे. ओके, मैं आपको भी यहां पर दिखाती हूँ, एक वॉशिंग मशीन है तो आप क्या यूज करेंगे, दिस. रेडियोस टू है, दीज. स्पून वन है, दिस. फॉक टू है, फॉर्क्स हैं, थ्री है, these. refrigerator one है, this. cups three है, these. okay, two और more things के साथ these है और one thing के साथ this है. is it clear, plus? Allah Hafiz.